पिताश्री की इतनी सी कहानी है, बुढ़ापे में भी इनके जवानी है। आओ शुरू से देखते हैं। टेन 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 टेन, ये लो तुम्हारे लिए चोर लेटो। अमित तुमसे बस ये सस्ती हरकतें करवा लो। तुमने अपने पापा से बात करी हमारी शादी के लिए? रितु हमारे प्यार के बीच में जो भी आएगा उसमें घुस भर दूंगा। एक बार पापा मान जाए तो मैं भी खुश कर दूंगा। रितु आइसक्रीम ठंडी है, भुट्टा थोड़ी है, ठंडी होगी ना। यार अमित तुमसे या तो अपने पापा के साथ घूमवा लो या अपने यूजलेस दोस्तों के साथ। हम दोस्तों में कभी लड़ाई नहीं होती, आजकल आपके प्यार के चक्कर में मुझसे पढ़ाई भी नहीं होती। रितु यार फोटो खिंचवा ले एक। तुम्हारे साथ जब जब मैं फोटो डालू ना उस पर पूरे फेसबुक पे 20 लाइक आवे। उनमें से 17 मेरे ही दोस्त होते हैं जो लाइक करते हैं। 3 तो मेरी फेक प्रोफाइल है, इसका मतलब मेरा दोस्त एक भी लाइक ना करता। सच्चा यूजलेस पीपल। यार रितु स्माइल करो ना, तुम तो ऐसे गुस्से में खड़ी हो जैसे आइसक्रीम के पैसे तुम ही दोगी। मैं दूंगा ना यार 25 रुपए। कंधे पर हाथ भी रख लो यार। क्या बात है, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। मैं लग रहा हूँ अक्षय, तुम लग रही हो ट्विंकल। लेकिन हमारे पीछे कौन है ये गब्बर सिंह जैसे अंकल? अच्छा ये तो संतराम है। कौन संतराम? मेरे पापा। अबे बेरोजगार, अबे नौकरी नहीं कर सकता? मुझे नौकरी की कोई जरूरत ना है अभी। मैं पहले शादी करूंगा फिर नौकरी करूंगा। ये क्या है आजकल के लोंडे, पहले नौकरी करें फिर शादी करें। आई एम डिफरेंट। मेरे डिफरेंट? अबे तू तो पैदा ही उल्टा हुआ था। पर फिक्र नहीं कर, तुझे मार मार के सीधा कर दूंगा। अरे अरे बेटा, आज तेरी माँ जिंदा होती ना तो तेरी करतूत देख के वो वैसे ही मर जाती। अबे बचपन से मैंने तुझे कैसे कैसे पेला है। पेला है? तो पाला है। अपने अकेले बाप के बारे में मत सोचियो। अरे ये मेरी उम्र अपने बाबू से शादी करने की है, अपने बापू की शादी कराने की ना है। अभी देख बताता हूँ तुझे। बता। तुम्हारे माथे की कैसे नस फूल रही है? कहाँ फूल रही है? अरे पसीना भी आ रहा है। अरे आपका तो शरीर भी कंपन कर रहा है, आपकी तो टांगे भी कंपन कर रही हैं। अरे कांप रहे हो? महिल रहा हूँ। अरे देखो तुम्हें ऐसे लग रहा है जैसे अंधेरा हो रखा हो। अंधेरा मैं अंधा हो गया। उजाला हुआ? उजाला हो गया। भाई साहब क्या हुआ? ये तो फूफा वाली बीमारी होगी आपको। कौन सी? बीपी। बीपी। बेटा मुझे अस्पताल ले चल, मर जाऊंगा। ना, मरने नहीं दूंगा बाबा, ऐसे कैसे? डॉक्टर से उम्र क्यों छुपाई? जब 60 साल उम्र है तो मैं 40 क्यों लिखवाई? बैठो, आ रहा हूं मैं डॉक्टर से रिपोर्ट लेके। हर जगह फजीता करवा है मेरे साथ। संतराम तुम? कल आ गया, प्लीज आना। ठीक है। यो पापा मरवाएगा मुझे किसी दिन। पिताश्री। बेटे इनसे मिलो, ये मेरी फ्रेंड है, कॉलेज में मेरी जूनियर थी। बस फ्रेंड? हम साथ पढ़ते थे। झूठ मत बोलो संतू, हमें पढ़ाई का टाइम ही कहाँ मिलता था। कभी तिलक नगर की चाप, कभी चांदनी चौक के पराठे, कितना घुमाते थे ना तुम मुझे। अरे टाइम नहीं तो धोखा दे दिया, मेरी शादी हो गई और तुम? मैं तो अभी भी कुंवारी हूँ, तुम जैसा भोला लड़का कोई मिला ही नहीं। तुमने अभी तक शादी नहीं की? मुझे मालूम था, मेरी संतो मेरे अलावा किसी के साथ नहीं रह सकती। दिल तो आपका बहुत कुछ कहता है, बड़ा फड़फड़ाता है, थाम के रखो इसे थोड़ा सा, बीपी बड़ा पड़ा है।
चलो घर को। नमस्ते आंटी जी। अरे तुम तो आंटी मत बोलो ना। तो क्या बोलूं? अच्छा सॉरी, नमस्ते बुआ जी, पैरी पौना, राम राम। चलो घर चल के चाय पिलाते हैं। चलो आंटी मत बोलो। अरे बाय संतु, मिलते रहना। अरे तुम्हें स्वर्ग से मम्मी देख रही है। वाह पिताश्री वाह, बुढ़ापे में आस की चल रही है। मुझे संतों से ब्याह करना है। ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम। क्या? ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम। रथ यात्रा की टिकट कटवाने की जगह हनीमून पैकेज की टिकट कटवा रहे हो? बेटा मुझसे अकेले नहीं रहा जाता। इतना ही अकेलापन है तो गांव से रिश्तेदारों को बुला लो। पिताश्री बीपी बढ़ा हुआ है, फैमिली मत बढ़ाओ। हेलो अमित, क्या सोच रहा है शादी के लिए? अरे यार सभी कोई शादी ब्याह करने हैं क्या? मेरा ब्याह करवा दे, मेरा करा दे। देखो कैसे घोड़ी पे चढ़ने की लग रही है इस उम्र में। कौन सी घोड़ी? अरे यार तुमसे नहीं कह रहा, मुझे पता था तुमसे कुछ नहीं होगा, इसलिए मैंने अपने पापा को बोल दिया है कि तुम उनसे कल मिलने आ रहे हो। अरे मुझे नहीं मिलना यार किसी से भी। यार सुनो मेरी बात, मेरे पापा रोज शाम को 5 बजे वॉक के लिए जाते हैं। तुम कल उनसे मिलने जाओगे, उन्हें इंप्रेस करके आओगे। आई बात समझ में? वरना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे हेलो हेलो हेलो। अरे यार क्या मुसीबत है। हरिओम। तो क्यों शादी करना चाहते हो हमारी बिटिया से? अरे मैं कहाँ करना चाहता हूँ, मतलब मैं कौन होता हूँ जी चाहने वाला? सब चाहने वाले तो वो हैं ऊपर वाले, जोड़ियाँ वहीं से बनती हैं। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उसकी औलाद का घर बस जाए जल्द से जल्द। अब माँ तो रही नहीं, पापा पूरे दिन कहते रहते हैं मेरी शादी करवा दे, मेरी शादी करवा दे, मेरी शादी। मतलब अमित अपनी शादी कर ले, घर बसा ले। बहुत दिनों बाद मुझे एक ऐसा नवयुवक मिला है जिसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। अच्छा जी, सॉरी। शक्ल से लुच्चे लगते हो हैं, बट संस्कार हैं तुम में। बैठो बैठो, पापा जी पे गया हूँ मैं अपने। साधो साधो, ऐसे महापुरुष से तो जल्दी मिलना पड़ेगा, वरना आजकल तो लोग पापा की उम्र में पाप करने में लगे हुए हैं। 3 चक्कर हो गए मेरे, पर इन लोगों का नारियल पानी नहीं खत्म हुआ। देखो बड़ी पापी दुनिया है। पापा, पापी है दुनिया बहुत। हाँ वो तो है। पापी, पापी से याद आया, पापा से कब मिलवा रहे हो अपने? अब कैसे मिलवा दूं? मतलब ऐसे कैसे मिलवा दूं? पहले पंडित जी से बात करनी पड़ेगी, मुहूर्त निकालना पड़ेगा, तभी तो मिलवा पाऊंगा। अरे पंडित क्या बताएगा, हम बता रहे हैं कल है मंगलवार, संध्या काल में अपने पिताजी को लेके घर आ जाओ, सब मंगल होगा। हरिओम हरिओम, मैं चलता हूँ। अरे कैसे मंगल होगा, अब दंगल होगा। अरे पापा जी। अरे तो अंकल को ही ले जाना भाई, बोल दियो पार्क में बैठ के वो जो सेटिंग बाजी कर रहा था ना, वो उनका जुड़वा भाई था। अरे पापा कहीं ना जा रहे यार, उनमें ना रही शर्म थोड़ी, मेरी शादी की उम्र में खुद चढ़ना चाह रहे हैं घोड़ी। यार ऐसे पार्क में बैठ के कोई सरेआम चेली बाजी करे करे क्या? होगी मेरी घमासान, मार मार के भगा दिया मुझे घर से। पर भाई फिर अपनी शादी का क्या करेगा अब? बन के डस रहा है मुझे साहब, अभी इस उम्र में कहां से लाऊं नया बाप। नए पापा चाहिए? वे पागल है कुछ? अरे मैं कराऊंगा तेरे नए पापा। आप अबे भाई यार तू पागल है यार, तू आ जा यार। ये छज्जू चाचा, इन्हें बनाएंगे तेरा नकली पापा, इन्हें भूलने की बीमारी है। 200 रुपया उधार लिए इनसे, आज तक भी ना पता इन्हें किसे देने किसे ना। इन्हें लेके जाएंगे मिलवाएंगे, इन्हें कुछ याद भी ना रहे और तेरा काम भी हो जाएगा। चाचा राम राम। हाँ भाई राम राम। चलोगे? हाँ भाई पैसे दो, कहीं भी चलेंगे। कहीं भी? हाँ 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 ऋतु बिटिया, दोनों पास ही बैठे हैं मेरे, आप भी कुछ लीजिए ना। हाँ जी जी जी। हाँ तू बिल्कुल फिक्र ना कर, हाँ तू कॉलेज का काम निपटा ले। हाँ
तू आजा आजा आराम से आजा। तो जी बिजनेस बिजनेस कैसा चल रहा है? अब क्या बताएं साहब, भाई साहब, भाई साहब, धंधा तो एकदम चौपट है। पहले जो रिक्शे का टायर 20 रुपए का आ जाता था, आजकल 110 रुपए का आता है। टायर? टायर के बारे में पापा जी को बहुत नॉलेज है। हमारा ना टायर का बिजनेस है, तो अंकल जी हम टायर ना एक्सपोर्ट कराते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी रिक्शा चलती हैं? अब तो वहीं जाके चलाना पड़ेगा, यहाँ तो सवारी पैसे ही नहीं देती। सवारी, वाई एस सवारी अंकल, एक हमारे अंकल जी हैं, उनका नाम है वाई एस सवारी, तो वो पापा जी के क्लाइंट भी थे, वो पैसे ही नहीं देते कभी। एक मिनट दोगे अंकल जी? क्या कर रहे हो चज्जू चाचा, कैरेक्टर में रहो यार, रिश्ते की बात चलाओ आगे। तो जी वो रिक्शे की बात, रिश्ते की बात कर लेते हैं। तो जी आपकी वो कुछ डिमांड वगैरह, दहेज जैसा कुछ? कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, जिस बाप ने अपनी लड़की दे दी समझो सब कुछ दे दिया, आप तो अपनी लड़की को दो कपड़ों में भेज दीजिए बस। धन्य हो गया मैं तो, आजकल आप जैसे लोग मिलते कहाँ हैं? लाल टंकी के नीचे, वहीं पे खड़ा होता हूँ मैं, वहीं मिलता हूँ। लाल टंकी? टंकी के वहां पर भी एक हमारा ऑफिस है, इतना पैसा है हमारे पास, हमें पता ही नहीं कहाँ कहाँ हमारे ऑफिस है। ऑफिस से याद आया पापा जी, आपको ऑफिस के काम से ना ऑस्ट्रेलिया निकलना है, और उसका फ्लाइट का टाइम हो चुका है। चले अंकल जी। हरिओम हरिओम जी। तेरा बेटा भाई, देखो आधा घंटा बोला था, एक घंटा पूरा लग गया, 30 रुपए और लगेंगे। अरे 30 रुपए से ज्यादा के तो तुम उनके वहां पर रगड़ रगड़ के नमकीन और बिस्कुट खा गए। देखो मेरे पैसे चुपचाप दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे रिश्ते का टायर पंचर कर दूंगा। अरे बात कर यार इनसे, पापा की कॉल आ रही है। हाँ जी पापा जी, करता हूँ थोड़ी देर में कॉल। बेटा अभी बात कर ले, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। क्या हुआ? कैंसर? इंटेस्टाइन वाला बेटा, स्टेज 4 है, अब मेरे बचने की उम्मीद नहीं है। बेटा एक बात सुन, मेरे जाने से पहले मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दे, तू शादी का हिसाब बना ले। अब आप जाने वाले हो, मैं क्या शादी करूंगा? अरे मैं अपनी शादी की बात कर रहा हूं बेटा, मरने से पहले मैं एक बार फिर घोड़ी चढ़ना चाहता हूं। मेरे जाने से पहले क्या तू मुझे इससे भी रोकेगा? मैं कराऊंगा पापा जी आपकी शादी, संतोष आंटी से ही होगी, आपकी शादी होकर रहेगी। मेरा बेटा, मेरा बेटा। हेलो। हाँ संतराम जी, अरे आपको आपकी रिपोर्ट मिल गई? हाँ भाई, रिपोर्ट क्या, परलोक की टिकट मिल गई। अरे आपकी टिकट नहीं कटी है? अरे भाई अब तो कट गई। वो ना किसी और संतराम की रिपोर्ट है, आपको कैंसर वैंसर कुछ नहीं है, सिर्फ गैस की बीमारी है। एक्सक्यूज मी बेटा, अभी आया। बात तो पक्की है ना? हाँ हाँ पक्का। और वो वाली रिपोर्ट ना आप मेरे लैब वापस भिजवाओ। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी मुझे इस रिपोर्ट की जरूरत है, जब मेरा काम पूरा हो जाएगा ना तब मैं वापस कर दूंगा। मैं काम कर करके थक गया। वैसे एक बात बता, ये क्या चस्का चढ़ा तेरे पापा को ब्याह करने के बुढ़ापे में? काम करवा ले, थोड़ा बात बना वाला बस। पंडित जी जी जजमान, क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे वो अपने भड़ाना साहब है ना, आज उनकी शादी हो रही है। भड़ाना? अमित भड़ाना? हेलो रितु बेटा, तू अपने मोहल्ले वाले मंदिर में आ जा। आप यहाँ इस हाल में? हाँ मैं तो ये टाइम पे यहीं पे होता हूँ, पर क्यों
अरे क्या बताऊं, मेरा जो लड़का है ना वो खर्चे के लिए एक धेला नहीं देता। अब रोटी खानी है तो खुद ही कमाई करनी पड़ेगी ना। अरे आपके बेटी की तो आज शादी है, आपको नहीं बुलाया? अरे उस गधे की शादी तो पिछले साल ही हो गई थी। क्या? हाँ। एक शादी हो गई, दूसरी यहाँ पे और तीसरी मेरी बेटी के साथ। आप मेरे साथ चलो, आज तो फैसला हो ही जाए। अरे पंडित जी थोड़ी सी फुर्ती दिखा दो, आ जाओ करा दो फेरे, निपटा दो काम। निपटा तो मैं तुझे दूंगी धोखेबाज। रितु तुम यहाँ क्यों? नहीं होना चाहिए था, ताकि तुम मुझे धोखा देकर दूसरी शादी कर लो। हाँ तुम्हारे पापा ने सब बता दिया हमें। मेरे पापा ने? मेरे पापा जी की शादी आज। आप शादी कर रहे हो? ये पापा तो उस दिन कौन थे? नहीं झूठ बोल रहा है, मेरी तो घरवाली है। ये मेरे पापा नहीं है। बेशरम, एक तो बूढ़े बाप से रिक्शा चलवा रहा है और अब पहचानने से भी मना कर रहा है। इनके पिताजी भी रिक्शा चलाते हैं, कौन सा रूट है? अरे शांत हो जाओ रूट के फूफा। अंकल जी ये एक बहुत बड़ी कहानी है, मैं समझाता हूँ आपको। मेरे जो असली पिताजी हैं उन्हें कैंसर है और उनकी आखिरी इच्छा है कि उनकी शादी हो। ये मेरे पिताश्री हैं और ये उनकी धर्मपत्नी। संतोष तू? आप इन्हें जानते हैं? अरे बहन है मेरी दूर की, दो शादियां हो चुकी हैं इसकी अब तक, पर कुंडली में दोष के कारण इसके सब पति मर जाते हैं। भैया आप हमेशा ना मनहूस बातें करते हो, इसीलिए आपको इस शादी में नहीं बुलाया था। अगली वाली में भी नहीं बुलाऊंगी। अगली वाली? अमित ये शादी नहीं हो सकती, अगर तुम्हारे पापा ने मेरी बुआ से शादी करी तो हम दोनों भाई बहन हो जाएंगे ना। रितु अब चाहे कुछ भी हो ये शादी जरूर होकर रहेगी, ये मेरे पापा की आखिरी इच्छा है। नहीं बेटा नहीं, मेरा मूड चेंज हो गया, वैसे भी इसकी कुंडली में दोष है। अरे मूड है या कपड़े जो एक ही मिनट में चेंज हो गए, और वैसे भी कुंडली तुम्हारा कुछ भी ना बिगाड़ पावे। इतने खतरनाक आदमी हो तुम, कर लो शादी, मैं कोई और देख लूंगा। तुम्हारे लिए मैं इम्पोर्टेंट कभी थी नहीं ना अमित। पापा मुझे यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकना, चलो यहाँ से। अरे कहाँ जा रहे हो, मैं छोड़ देता हूँ। अब रहने दीजिए, मतलब 10 रुपए कम दे देना। अरे मेरी बात चाहिए यहाँ से। बेटा बेटा बहू को रोक ले, मुझे नहीं करनी शादी। सुन तो ऐसे मत कहो ना, तीसरी बार में कुछ नहीं होता। तीसरी बार में कुछ नहीं होता, मुझे मरना है क्या? क्यों इतनी उछल कूद कर रहे हो, कर लो अपनी आखिरी इच्छा पूरी, वैसे भी कैंसर है आपको। कैंसर? हे भगवान, सब तो तुम्हें कैंसर है। लगता है तीसरी बारी में भी काम नहीं होगा। अरे नहीं है आपको कैंसर यार। ये लो अपनी असली रिपोर्ट, आपको सिर्फ गैस है, और वो कैंसर वाली रिपोर्ट ना मेरे लैब में भिजवा देना। अपने बाप को संभालो यार, हैं बुढ़ापे में आज की सूझ रही है ना। क्या चल रहा है ये? हाँ, मैं तो बताना भूल गया था, मुझे कैंसर नहीं है, 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 मुझे कैंसर नहीं है। चल बेटा चल, घर चले चल। पिताश्री आपने मेरा हंसी मजाक उड़वाया, मैंने कुछ नहीं कहा, आपके चक्कर में मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। और अब आप क्या कह रहे हो, शादी नहीं करनी? शादी तो अभी हो के रहेगी। नहीं मुझे शादी नहीं करनी। संतो मंडप तैयार है, अब ये शादी पिताश्री होके रहेगी। पंकज ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात्।